स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आईक्यू। स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम अपनी इंडियन इकोनॉमी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की किताब है स्टडी आईक्यू पब्लिश किए द्वारा, विच इज बाय द नेम ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सीएससी, तो चैप्टर 6 तक हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक उठाने वाले हैं बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, और क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक नए टर्म से डिफाइन करना पड़ा। भाई, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में वाया GDP, GNP एंड नेशनल इनकम, देन वाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिसमें से आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ते हैं बुक में से, लेकिन आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा, विच इज चैप्टर 6, जहां पे एंड में दे रखा था कि भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर कंट्री का बढ़ रहा है, देर आर स्टिल सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ GDP विच दे आर नॉट एबल टू कैप्चर। इसीलिए हमें एक और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इवॉल्व करना पड़ा, विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, एज टू फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसके बारे में हमने खूब डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। हमने बात करी थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, फिर हमने अलग अलग एग्रीगेट्स देखे थे नेशनल इनकम के, ठीक है ना। तो इंटायरली हमने क्या बात करी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करी थी। सो एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हाट, इट मेजर्स द चेंज इन द आउटपुट और GDP ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा टर्म है, ऐसा कॉन्सेप्ट है विच कैप्चर्स चेंज इन द GDP, कि भैया जो कंट्री का GDP है, कंट्री का GDP क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री विच इज द आउटपुट, भाई आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है। तो कैन आई से समथिंग इन द क्वांटिटी टर्म्स इज व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ टॉक्स अबाउट। इट मेजर्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि सिर्फ इंक्रीज बट डिक्रीज ऑल्सो। इट इज कंसर्न विद इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब इसको क्वांटिटी के टर्म्स में बात करने में दिलचस्पी है इस टर्म को, कौन से टर्म को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि भाई कितने परसेंट से हमारी कैपिटल बढ़ रही है। हम पहले अगर 100 मेट्रिक टन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इस साल हमारे देश में कितने मेट्रिक टन गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, हमारी लेबर, हमारे देश में कितने लोग लेबर फोर्स काउंट किए जाते थे, अब वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कितना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, टेक्नोलॉजी हम एडवांस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं। सो एनीथिंग विच कुड बी क्वान्टिफाइड, उसको हम कहाँ कैप्चर कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन जो प्रीवियस चैप्टर में थी, जो प्रीवियस चैप्टर में वो ये थी कि स्टूडेंट्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं जो हमारा GDP है वो साल दर साल बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एवरी ईयर इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। बट कैन वी से दैट कि जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो इक्वली ग्रो कर रही है, या कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, क्या सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, या कुछ चुनिंदा लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, क्या सारे स्टेट्स में इक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हर स्टेट में भी, इनफैक्ट क्या हर स्टेट में, हर एरिया में जो डेवलपमेंट है वो इक्वली पहुंच रहा है, क्या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली डेवलप हो रहा है, या कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही डेवलप हो रहे हैं। तो इस चीज को कि भाई डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट इक्वली स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट होने से, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने से
क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज है या नहीं है, ये चीज अगर हमें कैप्चर करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर टर्म्स में बात करता है। हाँ जी, जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज हुई, हाँ जी हो गई। क्या हम उससे ये कंक्लूड कर पा रहे थे कि भैया जीडीपी ऑफ द कंट्री अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे हेल्थ सेक्टर जो है या हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सेसिबल हो गई है, हर देश का हर बच्चा एजुकेशन पा रहा है, क्या हर एक बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, क्या हम ये सब कैप्चर कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए एक और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। इकोनॉमिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट की भाई हमें एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टर्म की ज़रूरत है, एक नए डेफिनेशन की ज़रूरत है विच कुड टेल अस कि भाई अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, एक्सेसिबिलिटी टू द हेल्थ सर्विसेज। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी टू द हेल्थ सर्विसेज सफिशेंट नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम लाती है गवर्नमेंट, हर गली नुक्कड़ में वो हेल्थ मतलब हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर देती है, बट अगर वो हॉस्पिटल इतने महंगे हो कि वो बेचारे गांव वाले उसे अफोर्ड ही ना कर पाए, तो एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ क्या कंक्लूसिव हो सकता है कि भाई हमने हॉस्पिटल खोल दिए तो भैया जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ रहा है? जब तक एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंप्रूविंग। सो अलोंग विद एक्सेसिबिलिटी भाई अफोर्डेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, क्या हम उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? जैसे स्टडी आईक्यू की बात करो भाई, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है, एजुकेशन के लिए एम्पल नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बट क्या वो नेटवर्क या प्लेटफॉर्म हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अफोर्डेबल है? नहीं है। दैट इज वेयर स्टडी आईक्यू कम्स इन कि भाई हम एक्सेसिबल, वी आर मेकिंग एजुकेशन, हु स्टडी आईक्यू इज मेकिंग द एजुकेशन एक्सेसिबल ऑल्सो प्लस अफोर्डेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, की जिसको यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, पेपर क्लियर करना है, उसके मन में ये चीज़ ना रह जाए कि भाई काश मेरे पास पैसे होते, ओल्ड राजेंद्र नगर जाके पढ़ता और शायद मैं भी ऑफिसर बन जाता। That is what is the quality of life. That is where the concept of economic development comes into picture. So what is economic development? Economic development is a broader concept. क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका जो vision है, it is not restricted or limited to the growth in the output of the country. So economic development is a broader concept that deals with socio-economic indicators. Socio-economic indicators जैसे health, education, sanitation, nutrition, access to drinking water. Economic development is more concerned with about the quality of development. यहाँ पे the focus is on quality. हमें quantity से मतलब नहीं है, no matter. भाई हम conclude ही नहीं कर पा रहे थे कि भैया देश का जो GDP है वो grow हो रहा है, क्या उससे quality ensure कर पा रहे थे कि भाई सबके पास पर कैपिटा है या सबके घर अब टॉयलेट है या सबके घर अब न्यूट्रिशियस फूड है या कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है? So that is where economic development comes in and talks about the quality of life. Economic growth का जो सबसे बड़ा drawback है, जो limitation है, that it just focuses on the numbers, the quantity, whereas economic development talks about whereas the economic development comes in and talks about the quality of life. ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे, बिकॉज आई सेड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन टॉक्ड अबाउट कि भाई अब हमारा जो ध्यान है ग्रोथ से हटके कहाँ जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे इंडेक्सेस निकाले। हमारी बुक जो है इंडियन इकोनॉमी की, उसमें 3 इंडेक्सेस के बारे में बात करी गई है, जो आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो 3 इंडेक्सेस विच ट्रैक्स ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development Index and the last is the Gender Inequality Index. इसमें कहीं पे भी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करी गई है इन तीनों इंडेक्सेस में। तीनों ही इंडेक्सेस में किस पे फोकस है? It focuses on the quality of life of an individual and the human being.
तो ये इंडेक्सेस आपने प्रीलिम्स के लिए भी बहुत मेहनत करके पढ़ने हैं, एज वेल एज अगर कभी मेंस पे क्वेश्चन आता है, मे बी ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आपको ये इंडेक्सेस कोट करने होंगे. एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आपके आंसर में इनका कहीं ना कहीं रेफरेंस आना ही चाहिए. दैट इज़ वेयर योर आंसर विल लुक कंप्लीट. एंड जो एग्जामिनर को चाहिए ना कि बच्चे को पता होना चाहिए, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्सेस हैं जो ट्रैक कर रहे हैं चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो ये इंडेक्सेस हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी चैलेंजेस टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. भाई हम सब चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप भी करे साथ साथ ग्रो करे, राइट? लेकिन देर आर सर्टेन हिंड्रेंसेस एंड दीज आर दी हिंड्रेंसेस इन पर्टिकुलर टू इंडिया. अब इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द फर्स्ट वन इज द लोअर पर कैपिटा इनकम. क्यों, आपको क्यों लगता है कि पर कैपिटा इनकम क्यों लो है? ऐसा तो नहीं है हमारे देश ने तरक्की नहीं करी, ऐसा तो है नहीं है कि हमारा देश का जीडीपी अच्छा नहीं है. लो पर कैपिटा इनकम क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन का बर्डन है, वो बहुत ज़्यादा है. तो जितना भी ग्रो कर लो बट डिवाइड करते जब उसको पॉपुलेशन से, तो अपने आप जो फिगर है वो बहुत नीचे आ जाता है. तो हमारी इनकम जो है वो लो पर कैपिटा है, बहुत कम है पर कैपिटा व्हेन वी टॉक अबाउट. इसका वन रीजन इज हाई पॉपुलेशन एंड द अदर रीजन इज कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है भाई, हमारी जो ग्रोथ है ना कंट्री की, दैट शुड बी ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस द टर्शरी सेक्टर. बट हमारे यहाँ डिपेंडेंसी ज्यादा किस पे है? हमारे यहाँ डिपेंडेंसी है ज्यादा एग्रीकल्चर पे. क्या कहा था मैंने आपको, इकोनॉमी में हर चीज इंटरकनेक्टेड है. अगर ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस पॉपुलेशन है, इसके रीजंस है वी आर ह्यूजली और हेविली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, वेयर एज आर ग्रोथ शुड बी डिटरमाइंड बाय और शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर. ठीक है, ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन, देखा, दैट इज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. चलो अब नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्या लगता है? दो रीजंस, एक तो यहाँ पे इंफ्रा पे स्पेंडिंग हमारी कम है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है ना. और लार्जली अगर इंफ्रा डेवलप करता है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं करता है? भाई प्राइवेट सेक्टर का भी तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप करने की इंफ्रास्ट्रक्चर, या सिर्फ गवर्नमेंट की है? तो भैया उस वजह से अब भाई फॉर व्हाट्स एवर, एक बार आप समझ लेते कि फॉर व्हाट्स एवर रीजन हमारा स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस. अब व्हेन देयर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से क्रिएट होगी? और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हो रही है, देन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि देयर इज स्किल गैप. जितने लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, या तो वो एडिक्वेटली पढ़े हुए नहीं है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री में लोगों को चाहिए. दैट इज वेयर भाई एम्प्लॉयमेंट होके भी लोग अगर अनएम्प्लॉयड है, द रीजन लाइज दैट देर इज अ स्किल गैप. That is another hindrance or a challenge to the economic growth and economic development. Next is poor. देखो आ गया point. मैं तो अभी पीछे देखा भी नहीं, अपने आप point आ गया. Poor quality of human capital. क्यों poor quality of human capital है? भाई पर कैपिटा इनकम कम है. अब इनकम कम आ रही है हाथ में, तो हम फूड ठीक से नहीं ले पा रहे. व्हेन देयर इज लेस फूड इनटेक, तो न्यूट्रिशन इनटेक का तो बात ही नहीं आता. जब हम बचपन से माल नरिश्ड हैं, जब हम बचपन से स्टंटेड हैं, तो हमारा ब्रेन कैसे डेवलप होगा? आए दिन हम बीमार पड़ जाते हैं. हम स्किल्स कैसे अपने रीस्किलिंग करें? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, वी आर फिजिकली इल. That is why what it is leading to poor quality of human capital. So again, it's a vicious cycle. एक चीज दूसरे को it leads to another thing, और आप फंस जाते हो इस चक्रव्यूह में. कहते हैं ना गरीबी का चक्रव्यूह.
भाई आप गरीब घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए तो अब आपके पास खाने को ढंग का नहीं है, खाने को ढंग का नहीं है तो अब आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आपका डेवलपमेंट ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा। जब आपका विकास नहीं हो पा रहा है तो आपका ना स्कूल में ढंग से मन लग रहा है, ना आपका पढ़ने में मन लग रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ जाके खर्चे हो रहे हैं, फिर और आप गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हो, क्योंकि अब आप ढंग से स्कूल नहीं गए थे या ढंग से कॉलेज नहीं गए थे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छी जॉब नहीं मिली तो आपके पास अच्छी तनख्वाह नहीं आई, फिर से आप कहाँ हो, आप अभी भी पावर्टी लाइन के नीचे हो या इन द विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी हो, आप इसी तरीके से अब आपकी जो है मौत हो जाती है। तो दैट इज वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो साइकिल होता है, एक बार कहीं पे उसमें प्रॉब्लम आती है, एवरीवन गेट्स ट्रैप्ड इनटू दैट साइकिल, एंड द लास्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा देश में, तब तक देश का जो विकास है, चाहे वो क्वांटिटी टर्म्स में मान लो या क्वालिटी टर्म्स में, वो कहीं ना कहीं स्थगित रहेगा, वो कहीं ना कहीं रुका रहेगा। चलो ये हमने बात कर ली चैलेंजेस की, अब इसके सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्या करें हम ऐसा कि ये चीज चेंज हो जाए। द फर्स्ट थिंग इज भैया इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। भैया अगर हमारे देश के लोग खेती ही करना चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सर्विस सेक्टर, दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्रियल और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो भैया एग्रीकल्चर को ढंग से डेवलप कर दो, वहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, बेटर टूल्स यूज करो, बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इनफैक्ट आई वुड से यहां पे एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि भैया द ग्रोथ ऑफ द कंट्री शुड बी ड्रिवन नॉट बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर बट बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस और द टर्शरी सेक्टर। हमारा जो देश का जीडीपी है, लार्ज कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से नहीं बल्कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर से आना चाहिए। सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर वे फॉरवर्ड का एक और भी तरीका हो सकता है कि भाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर बढ़ा दो, कि भाई अगर हमारा देश चाहता है कि हम खेती ही करें तो उसको इंप्रूव कर दो ना जाके, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। चलो इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, यहाँ पे और क्या लिखो, नॉट जस्ट एजुकेशन सिस्टम बट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रीस्किलिंग। बट द गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि जो पढ़ लिख गए हैं उनकी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पे भी होना चाहिए। ये नहीं एक बार पढ़ लिए तो हो गया काम, रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज नई नई चीज डेवलप हो रही है, तो उससे कैसे अक्वेंट कराएंगे लोगों को जब वो रीस्किलिंग या अपस्किलिंग क्लासेस अटेंड करेंगे। तभी तो आजकल ये कितने कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज आ गए हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो और अपने आप को उन चीज़ों से अपग्रेड कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो चीज़ें आ चुकी हैं उनका हमें लाभ उठाना चाहिए सो दैट वी कैन गेट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड सैलरीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर क्यों जरूरी है, हेल्थ सेक्टर पहले तो होना, डेवलप होना, प्लस मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल शुड ऑल्सो बी दी एजेंडा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अपने आप से सारी चीज़ों का हल नहीं है। एक्सेसिबल है मेरे पास हॉस्पिटल लेकिन मैं वहाँ जाके अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ सर्विसेज, तो मैं क्या करूँगी ऐसी एक्सेसिबिलिटी को। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर इन हेल्थ सेक्टर टू मेक इट एक्सेसिबल प्लस अफोर्डेबल। ये लिख के आओगे आप मेंस के आंसर में कि भाई इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर शुड बी मेड टू मेक द हेल्थ सेक्टर एक्सेसिबल प्लस करके लिख दो अफोर्डेबल, बस इतना सा पॉइंट लिखना है एंड यू आर सॉर्टेड फॉर मेंस। चलो बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे अब आप एक फैक्ट सब्सटैंशिएट करोगे कि भाई अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, सो रुपी वन स्पेंड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड लीड टू द जनरेशन ऑफ, ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ आपको इतना लंबा लिखना नहीं, रुपी वन स्पेंड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम ऑफ INR 1, इंडियन रुपीज 1। भाई अगर एक रुपए लगाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितनी इनकम जनरेट होगी, एक रुपए की। लेकिन अगर एक रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे तो कितनी इनकम जनरेट होगी, INR 2.45। इस तरीके से मेंस में आंसर लिखने, इतना लिख दोगे ना तो आप देखो आपके नंबर कहाँ जाएंगे, कहा जाएंगे। यही तो ढूंढते हैं ना एग्जामिनर की, भैया बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, एडिटोरियल पढ़ा हो और वहां से पॉइंट या कोई पब्लिक रिपोर्ट या गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ी हो और ऐसे पॉइंट्स लिखे हो।
strengthening financial system, inclusivity, again affordability, and plus the literacy, क्योंकि financial system भी अगर accessible भी बना दो, अब लोगों को literacy नहीं है तो वो जाएंगे क्या bank के अंदर, वो तो पुराने ही अपने साहूकार के पास जाएंगे पैसे लेने और अपना exploitation कराएंगे high rate of interest पे loan लेके. And last point is boosting MSME sector. ये point लिखा, इसके नीचे तीन फायदे लिख दिए कि भाई MSME sector के क्या तीन फायदे हैं. It will lead to inclusive development. यहाँ लिखा inclusive development would lead to reducing regional disparities and they would lead to generation of employment opportunities. ठीक है, they would lead to generation. जैसे मैं आपको clearly भी लिख के बता देती हूँ, काफी प्रॉब्लम हो गई. चलो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा क्लियर. तो जैसे मैं आपको बता रही थी किस तरीके से पॉइंट सब्सटैंशिएट करना है, हम यहाँ लिख रहे थे, आपने एक पॉइंट लिखा बूस्टिंग MSME सेक्टर. अब आप क्या करोगे, इसके नीचे तीन ही ऐसे चीजें बना दोगे. Why? क्या फायदे होते हैं? Leads to inclusive development, leads to reducing regional disparities, and last point, they create employment opportunities. Creates employment opportunities. आप इतना छोटा छोटा नहीं लिखोगे वहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, आप पूरी चीज लिखोगे. सिंस मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, पॉसिटी ऑफ टाइम है, बोर हो जाओगे अगर एक वर्ड लिखूंगी तो, इसलिए दैट इज वॉट. तो आपने छह पॉइंट्स लिखे थे समझाने के लिए what could be the measures that we can take. बट उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स बता रहे हो. भाई लो एग्जामिनर, हमें पता है जो आप चाहते हो ना, हमें पता है, आप तो नंबर दो और हमको आगे निकालो इंटरव्यू स्टेज के लिए. इस जज्बे से आंसर लिखना है वहां जाके. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त से, मतलब कि कल से स्टार्ट हो चुका है. पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है हमारा बैच. अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में फीस किस तरीके से पे करनी है. तो स्टूडेंट्स बता दूं, फॉर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट में आप फीस पे कर सकते हो. प्लस उसके लिए आपको चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड. फीस ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगी, फीस वही है, फीस 18,999 रहेगी. उसके लिए आपको लगाना होगा कोड नानकी लाइफ. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेरी होती है कि मैम बुक जो स्टडी आईक्यू की है, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ कि भाई क्लास के बाद एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना इकोनॉमी की किताब से. तो कौन सी किताब है? स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन द्वारा इंडियन इकोनॉमी की किताब है. फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है. 425 रुपए की किताब है. उसके बाद भी अगर कोई डायलेमा रह जाए, उसके बाद भी कोई मन में क्वेश्चन रह जाए, तो आपको कहाँ आना है, आपको पता है, इंस्टाग्राम पे हो नानकी _B22. हो सकता है इमीडिएटली आपको आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड ना दे पाऊँ क्योंकि क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, बट आई सर्टेनली गेट बैक टू माई स्टूडेंट्स इन अ डे और सो. तो ये पेज आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इकोनॉमिक्स विद नानकी फॉर द लेटेस्ट पोस्ट एंड अपडेट्स. इसके बाद चैप्टर 7 हो गया हमारा, छोटा बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट हमारा चैप्टर था. इसके बाद बहुत ही अमेजिंग टॉपिक टैक्सेशन, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि मैम टैक्सेशन पढ़ा दीजिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. तो बस अब हमारी नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. तब तक मुझे जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी. अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. टिल देन स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.